जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना अगर आप बिगिनर्स हो तो। हम आज इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाले हैं दुर्गा माता और सत्यनारायण। और यही कमेंट मेरे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर्स का था, तो उन्हीं के लिए मैं जो है कोशिश करूँगा इस आर्टो को ड्रॉ करने की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो ये जो है आपको रेफरेंस फोटो में ऊपर जो है आप डायरेक्ट इस रेफरेंस फोटो का लिंक और इस रेफरेंस फोटो का जो आउटलाइन मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों फोटो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो रेफरेंस फोटो है वो इस ग्रिड के साथ ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने हर एक ग्रिड का जो आपस में डिस्टेंस ये मैंने A4 साइज के हिसाब से रखा है। तो यहाँ पे हर एक लाइन का जो है 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 नंबर लाइन से 2 नंबर लाइन का डिस्टेंस 15 mm करके रखना अगर आप इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने वाले हो। तो हम इसे ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन में इसे ऐड करेंगे। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ग्रिड फॉर ड्रॉइंग। तो इसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इमेज पे सिलेक्ट करके उसके बाद जो है जिस रेफरेंस फोटो को आप ड्रॉ करने वाले हो उसको सिलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्केल से, आपके पास स्केल तो होगा ही, तो स्केल से आपको इन लाइनों का डिस्टेंस आपस में जो है 15 mm एक बॉक्स को नाप लेंगे तो हो जाएगा। तो यही नाप लेना है। तो यहाँ हमने इस लाइन से डिस्टेंस जो है 15 mm करके हमने नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे ताकि ये जो हम उंगली रख के ये जूम ना हो जाए, हमारे जो हमने जो नाप रखा है मेजरमेंट करके रखा है वो ख़राब ना हो जाए। तो हमने नाप लिया, अब हम जो है इसका आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम अपने ड्रॉइंग कॉपी में भी आउटलाइन बना लेंगे। यह है A4 साइज पेपर और A4 साइज पेपर में ही मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ करूँगा। और तो हम पहले ग्रिड को बना लेते हैं सेम टू सेम साइज में। तो इसके लिए मैं एक चुटकी में इस ग्रिड को बना लेता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए 1 सेकंड। हमारा ग्रिड हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है ताकि हम रेफरेंस फोटो कौन सा पार्ट हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है वो हम आसानी से ढूंढ सकें और आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे कुल 19 लाइन्स है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो और आप यहाँ पे साइड में जो है मास्किंग टेप लगा सकते हैं ताकि हम आर्ट ऑफ जो है एक बॉर्डर अच्छा दिखे। इस आंखों के आउटलाइन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट है कहाँ पर है तो वो आपको ढूंढ लेना है पहले। तो हम मान लो ये जो आंखों का आउटलाइन इस तरह से गया है तो ये जो आउटलाइन है तो इस लाइन को क्रॉस करके गया है। तो ये लाइन का नंबर कितना है और इसके आसपास का लाइन ये है तो इस लाइन का नंबर कितना है वो पहले हमें ढूंढ लेना है ताकि हम और आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो हम इसे ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन का नंबर है 5 और इस तरह इसके आसपास की इस लाइन का नंबर है 7। तो यही सेम आउटलाइन जो है हम अपनी ड्राइंग कॉपी में ढूंढेंगे। तो ये रहा 5 नंबर लाइन और इस तरफ से देखना है सीरियल नंबर दिया गया है। तो ये रहा सेंटर पॉइंट। तो हमें जो है ये जो क्रॉस पॉइंट है इस तरह दोनों लाइन का क्रॉस पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें इस जगह पर मिला है। तो आपको सिंपली नाप लेना है कि ये जो इस क्रॉस पॉइंट से ही जो है इस लाइन से ही जो ये आउटलाइन क्रॉस कर गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पहले नाप के इस तरह से डॉट दे देना है। उसके बाद सिंपली और ये आउटलाइन इधर भी आया है तो इस लाइन के यहाँ पे आया है। तो सिंपली आपको इस तरह से आना है और यहाँ से लगभग यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नापना है। लगभग मिडिल में होगा तो यहाँ पे लगभग इतने दूर में है इसका आउटलाइन ख़त्म हुआ है। और इस तरह से जो है इसका आउटलाइन ड्रॉ करके आपको इस तरह से जिस डायरेक्शन में ये गए हैं उस हिसाब से आपको इसका आउटलाइन ड्रॉ कर देना है। और इसी तरीके से मैं इस आउटलाइन को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। और तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहे और मैं स्टेप बाय स्टेप ही ड्रॉ करूँगा। तो लास्ट तक देखते रहना।